हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम डॉक्टर देवयानी, पेट प्रैक्टिशनर इन साउथ दिल्ली। दिस इज ध्रुव विद अस टुडे। यू वांट टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग क्यूरीज। पूछो, आपको क्या पूछना है ध्रुव? हम इसको क्या खाना, हमें अपने पपी को क्या खाना देना है? जो आपका पपी खुश होके खाए वो खिलाओ, बस इसको कैल्शियम और मल्टीविटामिन सप्लीमेंट देते रहो। हम अपने पपी को मस्कुलर कैसे बनाएं? मस्कुलर के लिए है, इसकी बिल्ट मस्कुलर है, आप इसको एक्स्ट्रा कैल्शियम दे सकते हो। आप एक्स्ट्रा कैल्शियम दो, इसकी डाइट हाई प्रोटीन रखो, वो आप सप्लीमेंट दो प्रोटीन के और कैल्शियम के। ये मट्टी खाता है तो क्या करें? मिट्टी खाने का रीज़न होता है कि इसमें आयरन की कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, इसकी डीवर्मिंग कराना आप और इसको सप्लीमेंट्स दो, क्योंकि हमारे नॉर्मल खाने में इतने इसके पूरे नहीं हो पाते हैं, तो डेफिशिएंसी की वजह से ऐसा होता है। फेरस अब इसकी डीवर्मिंग कैसे करें? हर 3 महीने में एक बार डॉग की डीवर्मिंग करते हैं। दक्षा भी कौन सी ब्रीड है? बेटा अमेरिकन बुली है। ये मम्मी पापा बोलते हैं तो इसको छोड़ दे वरना ये तुझको खा जाएगा, काट लेगा। हाँ, वो एक्चुअली गलत नहीं बोलते, क्योंकि ये एक्चुअली माना जाता है कि अमेरिकन बुली है, पाकिस्तान बुली है, रॉटवाइलर है, दे आर वन मैन डॉग और ये फाइटर डॉग्स होते हैं, तो इनकी टेम्परामेंट की आप कोई गारंटी नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन अगर आप घर में रख रहे हो, एक तो आप अननेसेसरी अगर डॉग को बुली कर रहे हो, चप्पल मार दी, पत्थर मार दिया, तो वो डॉग का टेम्परामेंट डिस्टर्ब करता है, आपको ऐसे नहीं करना। इसको बहुत ज़्यादा बांध के मत रखो, इंटरेक्ट कराओ, ऐसा नहीं है आपने हमेशा कमरे में बंद रखा है, फिर तो जिस दिन निकलेगा तो एग्रेसिव होगा। अगर बचपन से ही घूम रहा है सबके साथ तो थोड़ा फ्रेंडली हो जाता है। नेक्स्ट, जब ये बड़ा होगा तो हार्मोन्स प्ले अ लॉट ऑफ रोल, कितना है, तो आपको इसका कैस्ट्रेशन कराना होगा। अगर आपको लगता है ओवर एग्रेसिव है, उसके लिए आप कैस्ट्रेशन करा सकते हैं, हार्मोन्स पे रख सकते हैं, बट बाय नेचर ये ब्रीड एग्रेसिव होती है, तो अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो हम अवॉइड करने का ही सजेशन देते हैं, क्योंकि अब जानवर का बिहेवियर कोई ऐसे नहीं बता सकता, इट्स टेम्परामेंट इशू। हम अपने पपी की एयर क्रॉपिंग करा सकते हैं? और करा सकते हैं तो इसको दर्द होगा क्या और कितने MRP में हो जाएगी? डॉग की ईयर क्रॉपिंग और डॉकिंग जो होती है, पूंछ काटना, ये एथिकल नहीं है, ये दिस इज़ कंसिडर्ड इन अ कॉस्मेटिक सर्जरी। आप शौक के लिए करा सकते हो, लेकिन हम लोग अपने यहाँ नहीं करते हैं, पहली बात। अगर आपको क्रॉपिंग करानी है, ईयर क्रॉपिंग, तो आप कम एज में कराओ, 3-4 महीने के पपी की, क्योंकि जैसे ये बढ़ता है तो उसकी हीलिंग जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, तो इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाएगा, इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा, तो 4 महीने तक की आप करा लें। और कितने प्राइस में हो जाएगी इसकी ईयर क्रॉपिंग? वो मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि वो आपको अलग अलग डॉक्टर के अलग अलग प्राइस होते हैं। अच्छा, तो इसको उल्टी लग जाती है तो इस पपी की मतलब उल्टी कैसे बंद करें? पहली बात, आपका पपी उल्टी कर कैसे रहा है? झाग वाली कर रहा है, पीली कर रहा है, या जो खाता है वही निकालता है? जो खाता है वही निकालता है। इसके बहुत सारे रीजन है, या तो ये बहुत सारे पत्ते खा लेता है, कुछ उल्टा सीधा खा लेता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता, वो निकालता है। अगर पपी पीली उल्टी कर रहा है, वो बाइल निकाल रहा है, तो यानी उसको ज़्यादा एसिड बन रहा है, झाग वाली कर रहा है, ये होता है। तो अगर आपका डॉग वॉमिट कर रहा है बिल्कुल, तो इसको कम्प्लीट ऑफ फीड कर दो, एक दिन पूरा खाने में कुछ मत दो, थोड़ा सा सिर्फ दही दो, नेक्स्ट डे थोड़ा दही चावल दो, पानी बिल्कुल मत देना, जितना पानी पिएगा उतना निकाल देगा, तो पानी नहीं देना है। डॉमस्ट्राल एक टैबलेट आती है, वो आपको 4-4 घंटे के गैप में। डॉक्टर साहब, आपने मेरे सारे सवालों के जवाब दिए। यू आर वेलकम, ऑल द बेस्ट, आपका पपी अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। यू आर वेलकम, थैंक यू।